तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कंप्यूटर और लैपटॉप के लिए तीन ऐसी गजब की प्लेयर्स है। क्योंकि होता क्या है, जो कंप्यूटर में हमें डिफॉल्ट में जो मीडिया प्लेयर्स मिलती है वो उतना मज़ेदार होता नहीं, उतना खास नहीं होता, और उसमें कुछ बड़े बड़े जो वीडियो फाइल होती है वो सपोर्ट नहीं करती, अच्छे से नहीं चल पाती, जिसकी वजह से हम चाहते कि हम अपने पसंद की अपने हिसाब से उस पर प्लेयर इंस्टॉल कर पाएँ, डाल पाएँ। तो मैं आपको बताने वाला हूँ तीन गजब के प्लेयर्स है, और इसे आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, फ्री मतलब फ्री है। तो कौन सी प्लेयर है और इसमें क्या क्या फीचर मिलती है, इसे जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप, स्वागत है आपका टीच किंग संदीप यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले नंबर की। तो अगर आप विंडोज 10 के इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये प्लेयर विंडोज 10 पर ही देखने को मिल जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने कंप्यूटर की किसी भी एक वीडियो पर क्लिक करनी, ये सिर्फ वीडियो प्लेयर है, ओके वीडियो प्लेयर है। तो आपको क्या करनी, किसी भी एक वीडियो पर आ जानी है और आपको राइट क्लिक करनी है, इसके बाद आपको ओपन विथ पर क्लिक करनी है, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा मूवीज एंड टीवी, देख सकते हैं मूवीज एंड टीवी, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी वीडियो प्ले हो चुकी है। और ये इस प्लेयर पर जितनी भी बड़ी बड़ी वीडियोस है, छोटी वीडियो, जो भी वीडियो है, आप इस प्लेयर की हेल्प से काफी जबरदस्त तरीके से प्ले कर पाएंगे, चला पाएंगे। देख सकते हैं आप ये प्ले हो जाती है यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। इस प्लेयर की जो क्वालिटी काफी जबरदस्त है, और आप इस प्लेयर को किसी भी कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर सकते हैं। इसे डाउनलोड करने के लिए आपको अपने कंप्यूटर पर गूगल क्रोम ओपन करनी है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करनी है मूवीज मूवी टीवी प्लेयर, ठीक है, मूवीज टीवी प्लेयर आपको ये टाइप करनी है, और यहाँ पर सिंपली आपको डाउनलोड पर क्लिक कर देनी है इस तरह से। और यहाँ पर जो आपको पहला लिंक मिलता है मूवीज टीवी डाउनलोड मूवीज टीवी एंड फ्री लेटेस्ट वर्जन, इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको फाइनल डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लिक करना है डाउनलोड पर, और यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। बात करते हैं सेकेंड नंबर की, और आई होप आपको ये प्लेयर के बारे में जरूर जानकारी होगी, जिसका नाम है VLC प्लेयर, देख सकते हैं यहाँ पर VLC प्लेयर। और ये प्लेयर के बारे में जो नहीं जानता, मतलब आप वो कंप्यूटर यूजर है ही नहीं, क्योंकि जो कंप्यूटर यूजर है वो आपको VLC प्लेयर उसके कंप्यूटर पर आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो VLC प्लेयर की मैं बात कर रहा, इस प्लेयर में आपको बहुत सारे फीचर मिलेंगे, जैसे कि अगर यहाँ पर मैं कोई एक वीडियो प्ले करता हूँ VLC प्लेयर पर, देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं अपने कंप्यूटर पर सिर्फ VLC प्लेयर का ही इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि ये प्लेयर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं कोई वीडियो प्ले करता हूँ, जैसे कि मैं इसको प्ले करता हूँ, अभी प्ले करने के बाद अगर हम इसकी चाहें तो लैंग्वेज को भी चेंज कर सकते हैं, नेक्स्ट कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं सिर्फ कीबोर्ड की मदद से। जैसे कि यहाँ पर मसीह दबाया, साइज छोटा हो गया और क्रॉप हो गया और क्रॉप हो गया, इस तरह से, मतलब कीबोर्ड में अगर हम सी प्रेस करते हैं तो यहाँ पर साइज छोटा बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर हम बी प्रेस करते हैं तो ऑडियो ट्रैक इसके जो लैंग्वेज है वो चेंज हो जाएगा, हिंदी को इंग्लिश में कर पाएंगे, इंग्लिश को हिंदी में कर पाएंगे, मतलब यहाँ पर आपको बहुत सारी यहाँ पर बेनिफिट मिलेंगी। और इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप क्या करें, VLC प्लेयर के ऑफिशियल पेज पर चले जाइए। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने गूगल क्रोम ऊपर करनी, यहाँ पर आपको सर्च करनी VLC प्लेयर मीडिया प्लेयर, देख सकते हैं फ्री डाउनलोड यहाँ पर मैं आ गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पहला लिंक खुल करके आता है, इस पर आपको क्लिक कर देनी है इस तरह से। और अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर आपको लेटेस्ट वर्जन भी मिल जाएगा, आप हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं लेटेस्ट वर्जन हमारा ओपन हो जाएगा, यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं। और यहाँ पर आप सिंगल क्लिक में डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ पर फ्री डाउनलोड पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है गाइस। इसमें आपको बहुत सारे यहाँ पर बेनिफिट फैसिलिटीज आपको देखने को मिलेगी, जो कि फ्री प्लेयर है, ठीक है, इसमें बहुत पहले से इस्तेमाल करता हूँ। बात करते तीसरे नंबर की, इसका नाम है द कैम प्लेयर। नाम सुनकर ही आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये काफ़ी ज़बरदस्त प्लेयर है। मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ एक वीडियो, और यहाँ पर मैं ओपन करके दिखाता हूँ कैम प्लेयर, इस तरह से हमारा देख सकते हैं द कैम प्लेयर, इस पर मैं क्लिक किया और यहाँ पर देख सकते हैं हमारा प्लेयर ओपन हो चुका है। और इस प्लेयर की खास बात यह कि इस प्लेयर में आपको बिल्कुल भी कोई आड़ी बाड़ी देखने को नहीं मिलता, कहने का मतलब ये एकदम फुल फ्रेम में आपको वीडियो दिखाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर अभी देख पा रहे हैं, देख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल फुल फ्रेम में आपको वीडियो दिखाई गई है, और काफ़ी ज़बरदस्त क्वालिटी इस प्लेयर की होती है, और इसमें साउंड क्वालिटी भी काफ़ी ज़बरदस्त आपको देखने को मिलता है। और इस प्लेयर की खास बात यह है, अगर हम इस पर सी प्रेस करते हैं तो यहाँ पर जो इसका कॉन्ट्रास्ट है, जो ब्राइटनेस, उसे आप इंक्रीज कर पाएंगे, बढ़ा पाएंगे, देख सकते हैं इस तरह से। और डिक्रीज भी करना चाहते हैं ये भी दबाएंगे तो ये डी इंक्रीज भी हो जाएगा, मतलब ब्राइटनेस कम ज़्यादा भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, ब्राइटनेस कम या ज़्यादा भी आप कर पाएंगे इस कीबोर्ड की मदद से, देख सकते हैं मेरा ब्राइटनेस कम ज़्यादा हो चुकी है। अगर आपको रीसेट करनी है तो आपको आर दबानी है, आर दबाने से पूरा रीसेट हो जाएगा, देख सकते हैं रीसेट हो चुकी है। यहाँ पर आप जी दबाएंगे तो यहाँ पर फिर से सैचुरेशन ओवर हो जाएगा, मतलब यहाँ पर आप कीबोर्ड की जो बटन है स्केल पर आप इसकी ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर पाएंगे, साउंड को कम ज़्यादा कर पाएंगे, रिवर्स कर पाएंगे, नेक्स्ट कर पाएंगे, साथ ही साथ इसकी जो क्वालिटी आप उसे इन्हांस भी
कर पाएंगे गाइस। तो इसे डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, गूगल क्रोम ओपन करनी है और यहाँ पर आपको टाइप करनी है द कैम प्लेयर, द कैम सी एम प्लेयर डाउनलोड इस तरह से, ठीक है। इसको जो फर्स्ट लिंक खुल करके आता है द कैम प्लेयर, इस पर आपको क्लिक कर देनी है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप इसे ऑफिशियल पेज के पेज खुल करके आ चुका है, अब इसके बारे में और भी जान सकते हैं और इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से मैंने पीसी 64 बिट पर क्लिक किया और यहाँ पर देख सकते हैं हमें डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है। इस पर क्लिक करके आप आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर इनमें से कोई भी आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करनी है या फिर आपको कंप्यूटर की कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करनी है तो कैसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है। आपको ऊपर आई बटन में उस वीडियो को लिंक दे दूंगा, आप जाकर उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, जिस वीडियो में आपको बता रहा है कि हम किसी भी एप्लीकेशन को फ्री में, अगर कोई पेड एप्लीकेशन है हम पेड एप्लीकेशन को भी फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटे की फिर और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है या आप किसी और टॉपिक की वीडियो चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा उस टॉपिक की वीडियो बनाऊँ। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मैं देखने वीडियो फिर टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।